नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो फोन पे और गूगल पे का भारत में दबदबा होगा खत्म, सरकार बना रही है प्लान। भारत में यूपीआई एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, अगर यूपीआई पेमेंट की बात करें तो भारत में जो है फोन पे और गूगल पे का दबदबा मौजूद है। मतलब 80% यूपीआई पेमेंट मार्केट में फोन पे और गूगल पे का कब्जा है। वहीं पेटीएम पर लगे बैन के बाद गूगल पे और फोन पे के मार्केट शेयर में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है, जिसे लेकर सरकार थोड़ा यहाँ पर सतर्क हो गई है। दरअसल फोन पे और गूगल पे दोनों पर, ये दोनों टेक कंपनियां जो है अमेरिका की कंपनी, ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय यूपीआई मार्केट में केवल दो अमेरिकी यूपीआई कंपनियों का कब्जा रहे। ऐसे में सरकार एक नया प्लान बना रही है जिससे अमेरिकी कंपनियों का दबदबा जो है वो कम किया जा सके। बता दें आपको कि भारत में हर माह जो है करीब 10 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI यूपीआई मार्केट में कुछ ही कंपनियों का कब्जा नहीं चाहती है। ऐसे में यूपीआई पेमेंट सर्विस को सीमित करके 30% किया जा सकता है। इसे वॉलमार्ट बेस्ड फोन पे और अल्फाबेट की गूगल पे के दबदबे को कम किया जा सकता है। वहीं पिछले दिनों संसदीय पैनल ने घरेलू फिनटेक फॉर्म को सपोर्ट करने की मांग यहां पर की गई, जिससे फोन पे और गूगल पे के दबदबे को कम किया जा सके। ये प्रस्ताव उस वक्त आया जब सेंट्रल बैंक ने पेटीएम को बंद कर दिया था। वह रियल टाइम जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है यूपीआई, उसको साल 2016 में लॉन्च किया गया था। वह यूपीआई नेटवर्क में करीब 500 बैंक शामिल है। वहीं 70 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट करीब 10 बिलियन से ज्यादा लेन देन यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ऑनलाइन ठगी होने पर वापिस मिलेगा पैसा, सरकार बना रही है फुल प्रूफ प्लान। देश और दुनिया में साइबर ठगों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन कोई ना कोई शख्स ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो रहा है। वह इस समस्या से निपटने के लिए सरकार हर स्तर पर से जो है कोशिश कर रही है। जिन लोगों को पैसा ऑनलाइन फ्रॉड में डूबता है उनके लिए सरकार एक नया प्लान तैयार कर रही है। ऐसे में लोगों को उनके पैसे जो है वापस दिलाने की योजना बनाने पर सरकार का काम चल रहा है। वह सरकार बैंकों के साथ मिलकर नई गाइडलाइंस तैयार करेगी। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए जो है, जो भारतीय जो इन्वेस्टिगेशन जो मतलब जो एजेंसियां जो है उनको यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले सुलझाना उनके लिए आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन स्कैम से पीड़ित लोगों को वापस पैसा दिलाने के लिए बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस जो है वो जल्दी SOP जो है वो देखकर यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। वह इस मामले में हाल में जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिव्यू मीटिंग भी यहाँ पर की थी। इस मीटिंग में फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी और बैंकों के जो रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया था, यानी बैंकों के अधिकारियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के अंदर जो है बीते साल बैंक अकाउंट से लेन देन करते बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे। वह ऑनलाइन ठगी का पैसा गंवाने वाले लोगों के लिए फिलहाल राहत का ठोस समाधान नहीं है। ऐसे मामलों के लिए बैंकिंग सेक्टर कोई भी जो है SOP उनको लेकर नहीं है। सरकार और बैंकों के प्रयास के साथ SOP को डेवलप किया जाएगा, जिसके बाद पीड़ित लोगों को उनका पैसा वापस पाने में उनके लिए आसान हो जाएगा।